हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं धीरेंद्र, आपका मेरे चैनल मैथ्स मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेई मेंस के लिए, एनडी एयरफोर्स के लिए इस टाइप के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, जिसमें आपको मिल रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर दोनों में लीनियर मिल रहा है, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी जैसा फॉर्मेट मिल रहा है। तो उन क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो 2 से 3 मिनट आपको आंसर निकालने में लगेगी। बट आज आपको मैं एक फटाफट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको विद इन 10 सेकेंड्स में आपके आंसर आपके सामने होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको में देखना है फॉर्मेट की वो ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी के फॉर्मेट का होना चाहिए। मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आपके पास क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए। तो आपको जो न्यूमरेटर में आपके पास एक्स का कोफिशेंट होगा उसको मैं ए बोल रहा हूँ, जो कांस्टेंट होगा वो बी, और डिनोमिनेटर में अपने पास जो एक्स का कोफिशेंट होगा उसको सी बोलूँगा, और जो कांस्टेंट होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, डी। उस हिसाब से अपन ए बी सी डी की वैल्यू डिसाइड करके फटाफट आंसर निकाल पाएंगे। सबसे पहले आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपके पास, हो सकता है आपको अभी अजीब लगे, बट आप 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आप ये ट्रिक कभी नहीं भूलोगे। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो होगा ए एक्स अपॉन सी, ध्यान से देखना है क्या बोल रहा हूँ मैं, ए एक्स अपॉन सी प्लस आपके पास आएगा बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी अपॉन क्या होगा, सी स्क्वायर और लॉग सी एक्स प्लस डी प्लस सी, ये आपका होने वाला है फाइनल आंसर। दुनिया का कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ जाओ आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाली है। तो कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे 3x + 2 / 5x + 7 dx मैंने लिख लिया। ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको क्या दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, b की कितनी है 2, और c की कितनी है 5, और d की कितनी है 7। तो चलिए फटाफट अपन फॉर्मूले में क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे है ए एक्स, तो a कितना है अपने पास 3x अपॉन क्या आएगा c, c कितना है अपना 5 + bc - ad, तो b और c कितना है अपने पास, b कितना है 2 और c कितना है अपने पास 5, तो कितना हो जाएगा 10 - ad, ए कितना है अपने पास 3 और डी कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 × 3 = 21 हो जाएगा आपके पास। अपॉन में आपके पास क्या है सी स्क्वायर, तो सी अपना क्या है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 25। लोग आंसर आ गया भैया आपके पास सी एक्स प्लस डी, तो क्या हो जाएगा 5x + 7 + c। ऐसे दुनिया का आप कोई भी क्वेश्चन जो हो इस टाइप का उसको सॉल्व कर सकते हो विद इन 10 सेकेंड्स। 10 - 21 करेंगे तो अपने पास में जब -11/25 log 5x + 7 + c, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख सकते हो, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन मिल जाए, तो मैं आपको एक दो ट्रिक और बता दूं। जैसे आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी क्वेश्चन देखा होगा, तो आपको ऐसे मिल सकता है कि यहाँ पे आपको मिल जाए 7 - 3x / 2 + 7x, कुछ भी। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 7 को आप ए कंसिडर मत करना। मैंने अभी आपको बोला था कि जो न्यूमरेटर में x का कोफिशेंट होगा आपके पास, जैसे x का कोफिशेंट कौन है, यहाँ पे a है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे x का कोफिशेंट कौन है -3, तो उसको आपको क्या करना है a कंसिडर करना है। मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ऐसी मज़ेदार ट्रिक मैं आपके लिए और लेके आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।